आप देख रहे हैं कि कितनी कितनी विभिन्न पार्टियों द्वारा ये डेलीगेशन गया है चुनाव आयोग। करीब करीब सभी विपक्ष की पार्टियां यहां पर हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप चेहरे देख रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ये आयोजन कल लेट रात्रि को हुआ है, लेट, क्योंकि आप जानते हैं जिस प्रकार का गैरकानूनी एक्शन लिया गया है वो भी लेट रात को लिया गया था। इतने अल्प समय में हमारे सभी कॉलीग्स ने, कई लोग दिल्ली से बाहर से भी आए हैं, कुछ एक दो लोग पहुंच नहीं पाए, लेकिन करीब करीब विपक्ष के हर रंग की पार्टी यहां पर उपस्थित है और मैं समझता हूं सब एकजुट होकर इस मामले में गए हैं। हमने चुनाव आयोग के साथ विस्तृत रूप से वार्तालाप किया, हम सब अंदर थे, चुनाव आयोग के तीनों नवगठित चुनाव आयोग और उनके सभी अफसर थे। मैं संक्षिप्त में बता दूं आपको कि हमने क्या कहा। पहली बात कि ये बहुत ही गंभीर और व्यापक मुद्दा है, ये सिर्फ एक व्यक्ति या व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा व्यापक इसलिए है क्योंकि ये सीधा संबंध रखता है भारत के संविधान के मूल ढांचे से, जिसको आप बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मूल ढांचे का जो पूरा कानून है वो ये कहता है, बड़ी बहुत अनूठी बात है भारत के बारे में, कि अगर कोई भी संवैधानिक संशोधन मूल ढांचे के विरुद्ध है तो संवैधानिक संशोधन भी असंवैधानिक करार किया जा सकता है। अब इसको हमने कैसे पक्ष रखा, जब आप इस प्रकार की चुनाव के लिए जो एक समतल जमीन आवश्यक है, अति आवश्यक है, अनिवार्य है, समतल जमीन, उस समतल जमीन को आप बदल देते हैं, उसको समतल नहीं रहने देते हैं दुरुपयोग करके एजेंसीज द्वारा, तो उसका सीधा दुष्प्रभाव पड़ता है स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव पर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। उसका सीधा दुष्प्रभाव आगे पड़ता है गणतंत्र, लोकतंत्र पे, डेमोक्रेसी, और स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव या लोकतंत्र गणतंत्र दोनों, उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती के समय से कहा है, बार बार कहा है, मूल ढांचे के एक अभिन्न अंग है। तो जब आप समतल जमीन को बदल देते हैं, नॉन समतल बना देते हैं दुरुपयोग करके एजेंसीज का, तो आप सीधा उस मूल ढांचे पे प्रहार कर रहे हैं, असंवैधानिक गैरकानूनी प्रहार। ये एक मूल मुद्दा है और इसके लिए सबसे बड़ा पुलिसमैन इस समतल जमीन का संविधान ने बनाया है, चुनाव आयोग को बनाया है, सिर्फ कोई स्टैट्यूटरी गठित संस्था नहीं है, ये संवैधानिक संस्था है। तो हमने उनको उनके उत्तरदायित्व की याद दिलाई और कहा कि आप बेझिझक होकर इस मामले में हस्तक्षेप करें। दूसरा पहलू हमने बड़ा रोचक रखा उनके सामने, हमने उदाहरण तो दिए, अभी मैं दो तीन दूंगा। स्वतंत्र भारत के 75 वर्ष के इतिहास में कई सरकारें आई हैं, उसका रंग ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसी सत्तारूढ़ पार्टी की सरकारें पहले आई हैं, लेकिन 75 वर्ष में कभी भी चुनाव के बिल्कुल शुरू में, चुनाव के आसपास एजेंसीज का दुरुपयोग ऐसे कभी नहीं हुआ। 75 वर्ष में पहली बार एक पदासीन मुख्यमंत्री को कल रात को गिरफ्तार किया गया है, पहली बार। कुछ हफ्तों पहले एक मुख्यमंत्री को मजबूर करके हटा के उसको गिरफ्तार किया गया। विपक्ष की बहुत बड़ी पार्टी, 125 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी कांग्रेस के 94, 95, 96 के अकाउंट्स के विषय में 150 करोड़ से ज्यादा फ्रीज हुआ है। हमारे माननीय कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सब ने अभी आपके समक्ष दो दिन पहले इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। अभी हमको बता रहे हमारे मित्र लेफ्ट के, येचुरी जी खड़े मेरे साथ, उनको भी वैसे ही नोटिस आए हैं। तीसरा पहलू, हमने एक सूची दी 11 और हाल के रीसेंट उदाहरण, पुराने उदाहरण तो सैकड़ों हैं, वो 11 के 11 एनसीपी से लेकर, टीएमसी से लेकर, कांग्रेस से लेकर, विपक्ष के हर पार्टी पे है जहां पर एजेंसीज का दुरुपयोग हुआ है, गिरफ्तारी हुई है, लेकिन एक भी उदाहरण नहीं है सत्तारूढ़ पार्टी का। ये कौन सी जादुई पुड़िया खाई है
सत्तारूढ़ पार्टी ने कि हर अच्छाई वहां है, हर बुराई यहां है, या सिर्फ बुराई दिखती यहां पर है? अगर बुराई वहां है तो दिखती नहीं है। वॉशिंग मशीन का तो उदाहरण आपने बहुत सुन लिया है, लेकिन ये समतल जमीन की मूल ढांचे को प्रहार करता है। हमने 11 लिखित और उसके अलावा 14 उदाहरण दिए हैं अभी अभी चुनाव आयोग को। तीसरा पक्ष ये है कि अगर कुछ गलती भी हुई है तो आपने कहीं ये नहीं दिखाया कि अभी इसी वक्त एजेंसीज की रेड आवश्यक है, अभी इसी वक्त इनकी गिरफ्तारी आवश्यक है। अरे भाई, अगर कोई नोटिस या कोई कार्रवाई 2023 से चल रही है तो आप 2 महीने और नहीं रुक सकते? आपको जो कार्रवाई करनी है आप करिए, लेकिन ये क्या कि आप चुनाव के पहले वोट पड़ने से पहले ही चुनाव जीत जाना चाहते हैं? आप पहला वोट पड़ा नहीं, उसके पहले जीत जाना चाहते हैं? आप कानूनी तरीके से नहीं, गणतांत्रिक तरीके से नहीं। तो ये मामले जिसको कहते हैं आवश्यकता या जरूरत अरेस्ट की, वो किसने दिखाया है? मेरे पास अधिकार क्षेत्र है तो मैं अरेस्ट कर लूं। चौथा हमने बताया कि आपके जो कई सारे सर्कुलर हैं चुनाव आयोग के, उसमें भी ये वंचित है। हमारे कॉलीग्स ने ये मांग की कि अगर चुनाव आयोग डीजीपी बदल सकता है, होम सेक्रेटरी बदल सकता है, किसी को बदल सकता है, तो ये एजेंसीज किस प्रकार की कोई एक विशेष एग्जेम्पशन एंजॉय करती है? इन एजेंसीज पे नियंत्रण क्यों नहीं करता चुनाव आयोग? इन एजेंसीज के नियुक्तियां कम से कम इन 4 महीने के लिए क्यों नहीं होती चुनाव आयोग द्वारा? ये भी पुलिस एजेंसीज हैं एक प्रकार से, ये भी सत्तारूढ़ पार्टी के उपयोग या दुरुपयोग के लिए हैं। तो इसलिए ये मुद्दे बहुत ही मूल मुद्दे हैं, और हम ये कहेंगे कि हर प्रकार का अंडू इन्फ्लुएंस का आपका कानून है, सर्कुलर है, आप उसको सिर्फ शब्द नहीं रखिए, आप उसका इस्तेमाल करिए, नहीं तो ये चुनाव आयोग एक सिर्फ एक एक सजाने के लिए कोई संस्था नहीं होनी चाहिए। ये हमारा पुलिसमैन है गणतंत्र के लिए। बाकी